हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। जैसा कि आप थंबनेल से ही पता लगा चुके होंगे कि एग्जैक्ट एंड ऑफिशियल शेड्यूल आ गया है डीयू एलएलबी एंड डीयू एलएलएम एडमिशंस 2022-23 सेशंस का। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, और जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था और एक्सपेक्टेड था, शेड्यूल भी वैसा ही कुछ है। मैं आपको पूरा शेड्यूल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो इंटैक्ट रहिए इस वीडियो से। हाय, आई एम शिवम पांडे, एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस बताते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इस पे हम आपको सेमेस्टर रिलेटेड मटेरियल और लीगल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और इंस्टाग्राम पर भी आपको लीडिंग केस लॉज और सेमेस्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए बिना किसी डिले के मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज कर दिया है फॉर पीजी एडमिशंस, डीयूईटी पीजी एडमिशंस 2022 एंड 23 सेशन के लिए। और जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, शेड्यूल भी उसी हिसाब से है। इससे पहले हमने प्रिडिक्शन की थी आपके फाइनल आंसर की कि उसी हिसाब से उसी डेट को आपकी फाइनल आंसर की आई थी। हमने स्कोर कार्ड का प्रिडिक्शन किया था और उसी डेट को आपका स्कोर कार्ड भी आया था, और हमने पीजी एडमिशन से रिलेटेड कट ऑफ की भी प्रिडिक्शन की थी कि वेडनेसडे तक आपकी कट ऑफ आ सकती है, और आप मेरी पिछली वीडियोस में मेरी प्रिडिक्शंस देख भी सकते हैं। और हुआ भी वही, जो शेड्यूल आया है उसी की तरह का है, लेकिन मैं आपको इसमें ही बताऊंगा क्या ट्विस्ट होने वाला है। सो एज पर शेड्यूल द डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट ये 30 नवंबर को होगी, जो है वेडनेसडे। और मेरी पिछली वीडियो आप देखिए, मैंने उसमें बताया भी था कि वेडनेसडे तक आपकी कट ऑफ आ सकती है। कैंडिडेट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है डॉक्यूमेंट्स का, और आप कलेक्ट जरूर कर लें। सो कैंडिडेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कब कब अप्लाई कर सकते हैं, सुबह 10 बजे 1 दिसंबर सुबह 10 बजे से लेके 3 दिसंबर शाम 5 बजे तक, उनके पास 3 दिन का टाइम होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट और कॉलेज जो है अप्रूव करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, और वो जो टाइम पीरियड होगा 1 से लेके 4 दिसंबर तक का। मतलब फर्स्ट कट ऑफ की मैं बात करूं तो 1 से 3 तक आपको समय मिलेगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। ध्यान से सुनिए इस चीज को, बहुत ध्यान से। और उसके बाद 3 जो तारीख है, केवल 5 बजे तक का समय होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद 4 दिसंबर तक आपके वेरिफिकेशन हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। सो इससे ये पता लग रहा है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ये टिल 11:59 PM 4 दिसंबर तक आपकी रहेगी, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो एडमिशन्स होने वाले हैं, दैट मींस आपको ऑनलाइन जहां तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जहां तक इससे पता लग रहा है शेड्यूल से। सो आपका ऑनलाइन सबमिशन हो सकता है डॉक्यूमेंट का। इसके साथ साथ फिर आएगी सेकेंड कट ऑफ लिस्ट, सेकेंड एडमिशन लिस्ट आएगी 7 दिसंबर को, फ्लैग डे। 7 दिसंबर को आपकी ये कट ऑफ आएगी, वेडनेसडे, अगेन वेडनेसडे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वही 8 से लेके 9 दिसंबर, 2 दिन का समय मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 2 दिन का समय मिलेगा, 8 और 9 तारीख, और इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए जो कॉलेज और डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, उसको 10 तारीख तक का समय मिलेगा, 10th of December तक का, और 10th दिसंबर तक आपकी जो सेकेंड कट ऑफ है वो वाइंड अप हो जाएगी। ये सारी डेट्स लिख लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलने वाला, जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी अंडरटेकिंग भी रेडी कर लीजिए। उसके बाद लास्ट एंड दी फाइनल कट ऑफ लिस्ट आएगी, एंड दिस इज थर्ड कट ऑफ लिस्ट। थर्ड कट ऑफ लिस्ट आपकी 12 दिसंबर को आएगी, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये आएगी आपकी 12th of December, 13th एंड 14th 2 डेज का टाइम मिलेगा आपको, और उसके बाद 15th तक एडमिशन डिपार्टमेंट कॉलेज जो है वो वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट, और आपके एडमिशन्स होंगे 15 तारीख तक। सो एज पर दिस शेड्यूल 15 दिसंबर तक आपके एडमिशन कंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थर्ड लिस्ट के बाद भी कई बार विड्रॉवल होता है, तो आप वेबसाइट जरूर चेक करते रहें, क्योंकि वेबसाइट पे वैकेंट सीट जो है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती रहती है, और हम आपको अपने चैनल पे भी बताते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अब इसमें बात आती है कि 1 तारीख बता तो दी, क्या 1 तारीख को आ जाएगी हमारी मेरिट लिस्ट?
एडमिशन लिस्ट। सो द आंसर इज जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, सॉरी जो 30th नवंबर तक बताई है, क्या 30th नवंबर तक आ जाएगी? द आंसर इज यस, या तो 30th नवंबर नाइट, रात को आएगी, ठीक है, नाइट में आपकी लिस्ट आएगी, या तो 1st दिसंबर आपकी मॉर्निंग में लिस्ट अपलोड हो जाएगी। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखें और कहीं से भी कोई चूक ना होने दें। एडमिशन प्रोसेस के समय एक एक चीज बहुत ही ध्यान से, केयरफुली, सारी चीजें केयरफुली करें, जो भी अंडरटेकिंग है वो पहले ही रेडी कर लें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और फॉलो करके हमें मैसेज भेजिए, आपको हम आपके सारे आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी और जो हमने प्रिडिक्शन किए हैं वो आई होप उससे आप सेटिस्फाई भी होंगे। थैंक यू सो मच।